जिस जिम्बाब्वे टीम की दुनिया की रैंकिंग आईसीसी रैंकिंग 12वें नंबर पे हो, जिसके तीन खिलाड़ी महज तीन खिलाड़ी 10 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हों, जिसमें शॉन विलियम्स, एरविन और मसाबोरे नाम के तीन ही खिलाड़ी हों, स्टार खिलाड़ी हों, और वो भी तीनों मौजूद ना हो टीम में, 11 प्लेयर्स जो हैं इकट्ठे करने के लिए कई मुल्कों की मदद लेनी पड़ी हो जिस टीम को, ना वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो क्वालिफाई किया हो, ना उसने वनडे की जो वर्ल्ड कप होता है उसके लिए क्वालिफाई किया हो, तो ऐसी टीम के खिलाफ अगर पाकिस्तान बहुत डरा सहमा सा दिखाई दे रहा है तो बात कुछ हजम नहीं होती। या तो टी ट्वेंटी की जो सीरीज हुई है जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल हारते हारते बचा है, सीरीज जीता है लेकिन एक मैच में तो 100 के अंदर ही टीम आउट हो गई थी, और टेस्ट मैच में भी मुझे लगता है कि 2013 में जो पाकिस्तान की हार हुई थी जिम्बाब्वे से, उससे उस मानसिकता से ये टीम अभी तक उबर नहीं पाई है। गनीमत है कि पिछले मैच में साजिद खान को मौका मिल गया और इस बार जो है ताबिश खान को मौका मिलने जा रहा है। ये एक गनीमत है कि एक एक खिलाड़ी को ही सही मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच दिखाई दे रही है। मैं तो कहूंगा कि बाबर आजम कहीं मिसबाउल हक जैसे आगे डिफेंसिव कप्तान बनकर ना रह जाएं, ये थोड़ी एक चिंता की बात है। ताबिश खान जिन्होंने 600 के आसपास विकेट हासिल किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, ऐसे खिलाड़ी को अगर हैरिस राउफ के साथ टीम में शामिल किया जाता है जिनके प्रतिभा में, टैलेंट में टेस्ट मैच को अगर देखें जमीन आसमान का अंतर है। T20 क्रिकेट होती तो बात फिर भी समझ में आती, लेकिन ये खिलाड़ी जो 600 विकेट ले चुका है और 36 प्लस की इसकी उम्र हो गई है, और 2017 में यही खिलाड़ी था जिसने महज 6 डोमेस्टिक मैचों में यानी कायदे आजम ट्रॉफी के मैचों में 37 विकेट चटकाए थे। अगर उसी वक्त इस खिलाड़ी को मौका मिल गया होता तो निश्चित तौर पर यह खिलाड़ी आज पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर होता, और तब इसकी उम्र भी 31-32 साल की उम्र होती। 31-32 साल की उम्र फास्ट बॉलर्स के लिए तो पनपने के लिए बहुत अच्छी उम्र है, लेकिन 36 के बाद जो है किसी खिलाड़ी के लिए ज्यादा करियर बचता नहीं है, तेज गेंदबाज के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बचता। लेकिन ठीक है, 2-3 साल अभी भी ये खिलाड़ी खेल सकता है और अपना अच्छा हुनर दिखा रहा है, और अगर आप देखें तो खैबर के खिलाफ हो, चाहे सदर्न पंजाब के खिलाफ हो, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ हो, इस खिलाड़ी ने वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस खिलाड़ी को अब अगर नहीं मिलता वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो फिर आप ये सोचिए कि आपको किसी और खिलाड़ी को जाना पड़ेगा, एक अच्छे खिलाड़ी को आपने खो दिया है। जुनैद खान का कहना बहुत सही है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाज हुआ करते थे पाकिस्तान के। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लगता तो मुझे सही है कि शाहिन शाह अफरीदी थोड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और शायद वो इनसिक्योरिटी की भावनाओं में है, इसीलिए वो तीन टेस्ट मैच जितने भी टेस्ट मैच होते हैं वो रेस्ट नहीं लेना चाहते, वनडे हो T20 हो तीनों खेलते हैं, चाहे परफॉर्मेंस उनका डाउन हो जाए, चाहे खेल का ज्यादा अत्यधिक क्रिकेट का बहुत ज्यादा असर उनके खेल पर पड़ रहा हो, लेकिन उनको लगता है कि कहीं कोई और प्लेयर आ गया, उसने उनसे अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो कहीं उनकी जगह जो है टीम से बाहर ना हो जाए। तो बस अंत में मैं यही कहूंगा कि बाबर आजम कहीं डिफेंसिव कप्तान बनकर ना रह जाए मिसबाउल हक के साथ रह रहकर, ये थोड़ी सी एक चिंता का विषय है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। दूसरे टेस्ट मैच के रिजल्ट को लेकर तो कोई आशंका होनी भी नहीं चाहिए और पाकिस्तान आसानी से जीत ही जाएगा, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि यंगस्टर्स को अगर अब मौका नहीं मिलता तो कब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।